कोई जान का जगह में इसको हाल से पहुंचने के लिए आ गए ऐसी चांस करना पड़ा अगर पहले जानते कि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाता अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता जो करके अपने बड़े भाई का पिता बन गए खास मैं ये जानता हूँ तुम मेरा छोटा भाई है क्यों नहीं कानून का उल्लंघन करना पड़ता तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही बनना एक बार तुम देखती है एक बार और कोई नहीं तेरे चरणों की शपथ खा के कहता हूँ किसने तेरे मौत के सिंदूर को उजाला है आज उन कुत्तों को मैं तरपा तरपा के मारूंगा दुर्गावती जाकर प्रताप सिंह से कह देना आज के बाद ये दुर्गा सिंह दोस्त नहीं दुश्मन है क्या मुझसे बदला लेने के लिए बहुत तिकला रहा हूँ बता देना अपने बाप से पर भैया जब तक मेरे हाथ में हक नहीं रहेगा ना जब तक उन पापियों को मैं खात्मा न कर दूं और तुम अपनी वोंडी को सही सलामत रखना हम उन कमीनों को मिटाऊंगा आज मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ जब तक उन पावियों की थलती से नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा धरता धरता तेरी आंखें लाने से दूर हो जाओ 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 तक अपने पिता से कहो अरे जिसे तुम दोस्त समझते हो अरे वो और कोई नहीं ठाकुर रघुनाथ सिंह का खून है वो तुम्हें बेचारे पास चलता रहा है आज किन किन के पतली चुका लो हाँ वहाँ बिल्कुल खरीद आ गया है हमको तो शंका हो रही है शंका तो हमको भी हो रही है गणेश बुढ़िया को साला छोड़ ना दे रहे अब वो आपका दुश्मन कोई था पुराना रघुराज रघुराज के बारे में तू क्या जानती है वो जो आपका दोस्त वो डाकू है ना क्या नाम है दुर्गा सिंह दुर्गा क्या हुआ वो रघुराज का बेटा है और वो आपको मारने की कसम खा चुका है और आपको मारने के लिए वो हवेली आ रहा है इससे पहले वो हवेली आए आप क्या क्यों रास्ते में सुबह हमको पहले से भी शक था ये दुर्गा हमारे साथ विश्वासघात करेगा तो तुमसे पहले बता रहे थे कह रहा था दोस्ती का आखिरी बार मत करो कोई भेड़ और बकरी का बच्चा नहीं हो कि दुर्गा सिंह मुझे इतनी आसानी से मौत के घाट उतार दे दुर्गा सिंह आज ठाकुर प्रताप सिंह तुम्हारी चंबल घाटी में तुम्हें मारने के लिए खुद चिंता मत करो दुर्गा बाबा को सारे बहुत कम में से उड़ा दूंगा ठीक है कभी चिंता मत Yeah.
परेशान कर मजाओ ना तुम्हारे घर में गड़बड़ कर दूंगा। अरे बाबा, अरे बुढ़िया गजब हो गया। बुढ़िया राय आपका जब हो गया। हाँ बाबा, कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो गया कुछ? जो कुलदीप आपका दोस्त है ना? हाँ, वो हमारा जिगरी दोस्त है। नहीं बाबा, आपका दोस्त नहीं है, वो अमर सिंह का बेटा है। और तुम्हें मारने के लिए आपके हवेली आ रहा है। हाँ बाबा, ये सब बात तुमको किसी ने बताया है? मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। वो हमको मारने से सुना बहुत पक्का रहा है। हाँ बाबा, रघुराज का लौंडा है। हाँ, यही बताओ। उसकी मौत इधर आ रही है। ससुरा को हम गोली मारेगा कि वहीं पर ससुरा ढेर हो जाएगा। नहीं बाबा, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को बिटिया राय। नहीं बाबा, तुम हवेली में सेब संतरा खाओ, हम उसको अभी फेर। नहीं बाबा, तुम उसे मत मारो। हाँ बाबा, तुमको काहे कष्ट है? वो क्या है मुझे बताने में शर्म लगती है। मैं उसे प्यार करती हूँ और इसके बच्चे की अभी तक तो उसको हम छोड़ देता, लेकिन वो हमारी इज्जत से खेला है, हम उसको छोड़ेगा नहीं। नहीं बाबा, अब तो आपको दबा दूंगा ना। ऐसा मौत दूंगा कि मौत भी देख कर उसको रोकना चाहेगी। मुझे डर करना है। तुम्हारी पीछे पीछे आए, मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरे पिताजी हो। क्या बताऊं? सबसे पहले मैं तुझे ठोकूंगा, क्योंकि अगर मेरे सरदार को एक खरोच भी लगी तो जान ले लूंगा तेरी। अबे साले लूले, मैं तुझे जानता था जो साले विश्वासघात करेगा। मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ तू हल्लन मुंशी का क्या बिगाड़ था। पीछे करिए, उनको कुछ करना बात, तुम्हारी मोटी हुआ।
हमारी राइफल बात करेगी। अगर दुर्गावती को कुछ होना तो मैं सारा उड़ा दूंगी। अपनी जान दिखाना चाहती हो तो आप यहाँ जमीन पे जान दो। लेकिन साले मुंशी हमारे साहब को कुछ हुआ साले पीछे से गोली मारूंगा। ओए हल्ला मुंशी देख रहा है पीछे तेरी माफ करी। अगर मेरे सरदार को बुद्धि हुआ तो समझ लेना ऐसी जगह गोली मारूंगी, ऐसी जगह गोली मारूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। जहाँ जाती है बिजली की जाती है ना ऐसी गोली तेरे आज मारूंगा। अगर कुछ हल्ला मुंशी को हुआ तो हराम जादी तू जीवित नहीं बचेगी। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश किया तो एक गोली में बेमौत तुम्हारे जाओगे। तो हथियार पीछे जाने नहीं तो मारूंगा गोली खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। पापा तुम भी हथियार नीचे डाल दो। चलो ए दुर्गावती औरत के हाथ में चूड़ियां शोभा दे थे सबसे नहीं रख दो नीचे नहीं खोपड़ी घूम गई तो। हथियार जमीन पे डाल दो नहीं टाइगर सब गया तो तुम्हारी खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। हथियार नीचे कर दो सारे में खून की धारा बहेगी। त्रिशूल नीचे छोड़ दे नहीं हम पुलिस वाले हैं तेरी माँ चोट देंगे। अरे हल्ले मुंशी मैंने तुझसे क्या कहा था नहीं समझ में आया फेंक दिया नीचे। बिजली मैं बोल दिया तो अपनी राइफल नीचे फेंक दे वरना एक ही गोली में तेरा भेजा अलग हो जाएगा। चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करना वरना सोच लो इसका अंजाम बुरा पाओगे। तुम क्या कर रही हो अपने बाप के ऊपर? मुझे आप अपनी बेटी मत कहें। आप पिता का नहीं किया बिल नहीं है वो तो आप जानते हैं। आपके व्यवहार में कितने धब्बे लगे हैं मैं बता नहीं सकती मुझे शर्म आती है। आचार कुत्ते की आवाज आज पहचान मुझे ये तेरे सामने जो खड़ा है रघुराज सिंह का खून खड़ा हुआ है। रघुराज का खून है रे कुत्ते की आवाज आज हम तो तुझे मारेंगे ऐसी मौत मारेंगे ना जिंदगी भर याद करेगा तू। चारे साले ठाकुरों साले रंगबाजी किया है साहब चलो इनके जंग की धुलाई करो सालों के और मैं चलता हूँ शायद कह रही थी उस दिन ना मैं उस दिन चीक चीक कर कह रही थी एक दिन यही सब बोले
Thank you.
अभी भी 36 का पावर नहीं देख रहे हो बेटा, अगर दिखा देंगे ना तो एक ही हाथ में जमीन में फंस जाओगे। अगर तू 33 का नंबर देख लिया तो पोजीशन खराब हो जाएगी। वो तो हम बन कमल का, अब तुझे मालूम हो जाएगा कि ठाकुर प्रताप सिंह से दुश्मनी का अंजाम होता क्या है। अब ऐसा ले तू क्या बताएगा, दोस्ती और दुश्मनी का होता है? हम बताएंगे दोस्ती का होता है और दुश्मनी करने का अंजाम का होता है। साले पीछे पीछे न फाड़ दिया तो हमारी माँ का दूध हराम है। कमलकांत, जितनी दोस्ती होती है उतनी ही दुश्मनी होती है। दिखा दो साले को यूपी 36 का पावर। अब हम इसको दिखाएंगे यूपी 36 का पावर। सारे खंजीर के खाने वाले यूपी 33 का पावर, अब देख हमारी बाजुओं में कितनी बड़ी ताकत है। तेरे जैसे घोषाले मसल देता हूँ, तेरे जैसे दो चार आ जाए, पूरी जनता आ जाए तो हम सबको फेर फाल दूंगा। कर रहा है रे Thank you.
के वक्त पार्टी का तमाशा यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोग जो सारे गाने सुने उसके बाद पार्टी का स्वागत। के पिछड़े